नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि समर्सिबल मोटर होती है जो 1 फेज की होती है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है दोस्तों, समर्सिबल मोटर होती है जो अर्थ हो जाती है, अर्थ होने के कारण भी वो नहीं चल पाती है और एम्पियर भी ज़्यादा लेने लगती है। तो वो किस तरह से एम्पियर ज़्यादा लेती है, किस तरह से हम अर्थिंग को चेक करते हैं, वही आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देखने आए हैं सिंगल फेज का मोटर, समर्सिबल मोटर है। तो ये अभी चल नहीं रही है, 280 के लगभग वोल्ट आ रहे हैं और आप देख सकते हो एम्पियर एम्पियर 27-28 के एम्पियर के लगभग हो रहे हैं इसमें। तो हम इसे देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये मोटर चल क्यों नहीं रही है। तो हम कैलोमीटर से एक बार देख लेते हैं इसके एम्पियर ताकि हमको कन्फर्म पता लग सके। तो एम्पियर आप देख लीजिए, मैं एम्पियर आपको कैलोमीटर से दिखा देता हूँ। तो 26 एम्पियर इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये मोटर एम्पियर बता रही है बल्कि घूम नहीं रही है, पानी नहीं आ रहा है। तो हम इसकी पहले जो सप्लाई है वो काट देते हैं। तो हम यहाँ से सप्लाई को काट देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है हमको सप्लाई सबसे पहले काटनी होती है। तो अब देख लीजिए, स्टार्टर में कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मोटर पर कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम मोटर की जो वायर है वो हटाकर चेक करेंगे दोस्तों, कभी भी अंदर से चेक नहीं करना है, हमेशा हटाकर चेक करना होता है। तो देखिए कंटिन्यूटी तीनों वायर में बता रही है, ये देखिए, पर ये मोटर चल नहीं रही। तो दोस्तों, अब मोटर को चेक करना होता है अर्थ। तो अर्थ आप इस तरह से चेक कर सकते हो, एक वायर लगाना है ज़मीन के अंदर और एक मोटर के वायर पर, और मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, मीटर देखिए उठ रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमको लगाना है एक वायर और एक देखिए मीटर उठ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये अर्थ हो चुकी है, इस कारण ये मोटर नहीं चल पा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।